ये चिकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। यार मैंने अभी सुबह से अब तक मैंने बर्ड्स नहीं खोले क्योंकि रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अभी तो खैर आसमान निकल आया, सूरज निकल आया, तो मैं थोड़ी देर के बाद मैंने बर्ड्स खोलूंगा। और दूसरी बात, डेयरी फार्म में जाके देखने, वहाँ पर भी बारिश हुई तो देखने कि वहाँ पर भी सब खैरियत है। और जो मुर्गी के दो अंडे रहते थे अभी वो भी तोड़ के देखने हैं कि उनमें चूज़ा है या नहीं। चूज़ा तो है उनमें, लेकिन वो मुझे पता है कि वो अभी तक एक्सपायर हो गई क्योंकि आज 26वां दिन उनको हो जाएगा, बच्चे तो अभी निकले नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। दोस्तों धूप निकल आई है तो अभी मैं बर्ड्स को खोलने लगा हूँ। सबसे पहले मैं फीड निकाल रहा हूँ, इसमें ये फीड मैंने निकाल दी ताकि एकदम से निकलेंगे और ये फीड पर टूट पड़ेंगे। तो अभी मैं नीचे फीड रखता हूँ उनके, यहाँ पर ये इंतजार में खड़े कब खुलेगा, कब बाहर आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो अंदर तो सारी यार कीचड़ बन गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 धूप में जाओ धूप में जाओ। दूसरा पार्टनर क्यों नहीं निकला? ये भी निकला। अंदर तो यार सारी कीचड़ बन गई इनकी। चलो ये देखो यहीं से निकलने आ रहा है। अब मैं इन्हें खोल देता हूँ आराम से। कोई बढ़ रहे तो नहीं है? सही। ओके चलो अब ये देखो टूट पड़े खाने पे जैसे ही खुले। चलो खाओ यार खाओ, तुम लोग खाओ। डक्स भी है और अभी चूजों वाली मुर्गी को खोलना है और पिजन्स को बाहर लाना है। चलो फिर ले आते हैं। चलो तुम लोग खत्म कर। चलो चलो निकलो बाहर, निकलो। आ जाओ बाहर। और चलो तुम क्या करे उधर यार, किस इसको हमने ऐसे ही छोड़ना होगा। चलो जाओ यार, ये मुर्गी अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रही है तो ये थोड़ा खा ले इसको, फिर मैं बंद कर देता हूँ एक जगह पर, फिर ये अंडा सुकून से दे सके। यार सर्दी थी आज, मैंने थोड़ा इनको लेट खोला कि मैंने सोचा थोड़ी सर्दी कम हो जाए। अभी फिर यार पिजन्स को बाहर निकाल देते, सिर्फ पिजन्स रह गए और बच्ची को मैंने नीचे रखा था जिसके जो अटैक होते। तो चलो फिर वो बच्ची भी ले आते हैं और पिजन्स को भी बाहर निकालते हैं। यार इन पिजन्स को बाहर निकालो यार, एक पिजन मुझे दो यार, उधर छोड़ दो, बस ये छोड़ो, ये खुद ही निकल आएगा। चलो धूप में यार दोनों माशाल्लाह से अब ये पिजन भी ठीक हो गया, पहले ये बीमार था, अब बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। पूरी हमारे गोनिया फोन भी साथ में आ गए सिर्फ फ्रेंडशिप लगाने पर। ये फ्रेंडशिप नहीं लगाएंगे यार, ये दिमाग सोलो चिकन के काम। देखो तो मैंने इस मुर्गी को ये वाली जगह दे दी, यहाँ पर इंशाल्लाह ये अब अंडा देगी, वो देखो अब बैठ भी रही है। दोस्तों तो हम अपने अभी डेयरी फार्म में आए हैं ये चेक करने के, जो रात बारिश बहुत हुई यार, गजब की बारिश हुई, तो देखना है कि सब चीज़ ओके है ना। यार ये तरपाल भी हमने लगा दी है, अभी सिर्फ वो थोड़ा हिस्सा रहता है वहाँ पर, तो अभी ये बाकी सब लगा दिया। अब ये कि अब सर्दी नहीं आ रही इतनी, जब ये चारों तरफ से कवर हो जाएगा तो ये गर्म रहेगा। फिर ये देखिए बिल्कुल ठीक है यार बारिश से, ये चेक करें बिल्कुल ठीक है। तो ये कि जो बारिश हुई, बारिश के बाद सर्दी इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है अभी सर्दी पहले से। तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी जैकेट पहन लूँ, पहले इतनी नहीं थी कि जैकेट ना पहने, अब इतनी होगी कि अब जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। ये क्यों खुली हुई है, तुम क्यों खुली हुई है, किस चक्करों में? चलो एक दो भैंसे खुली हुई हैं, दो चलो ये खुली रहें ये। तो यार इस हिस्से में थोड़ी बहुत हवा है क्योंकि यहाँ पर ये कवर नहीं है, तो ये जैसे कवर हो जाएगा तो यहाँ पर भी ठंड ख़त्म हो जाएगी, मतलब कवर हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर ये कमरा सॉरी ये खाता गर्म रहेगा। को यार मुस्तफ़ा ने उठा दिया, मुस्तफ़ा क्या है सुकून करने दिया करो यार, मुस्तफ़ा ने उठा दिया इसको। मुस्तफ़ा क्यों ने तंग करते हो? मुस्तफ़ा कह रहा मुझे मज़ा आता है इनको तंग करने में। जिस दिन इन्होंने तुम्हें तंग किया ना, उस दिन तुम यहाँ खाते में नजर नहीं आओगे, ये ऐसे टक्कर मारेंगे तुम खाते से बाहर, बाड़े से बाहर। माशाल्लाह से यहाँ से सब ओके है, ठीक है। तो मैं यही देखने आया था कि बारिश जब हुई तो सब ठीक है ना, तो माशाल्लाह सब बेहतर है और भैंसें भी आराम कर रही हैं सुकून से। यार हमने इस गोदाम को भी थोड़ा बनवा दिया, इस वजह से कि बीच में पार्टीशन इतनी नहीं थी, दीवार छोटी थी, तो वहाँ का भूसा वहाँ चला जाता था, वहाँ का भूसा यहाँ चला जाता था। और जैसे ही हम ये बनवा रहे थे वो गाड़ी आई, इसने ये पुलिया भी तोड़ दी, ये भी हमारा खर्चा गले में डलवा दिया उसने। तो फिर ये भी बनवा दी दोबारा से, अभी ये गीली तो ये सूख जाएगी एक दो दिन में, फिर ये मस्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा ये राजचिक छोटू सा मोटू सा, अभी ये हम अंडे उठा रहे हैं, ये तोड़े मुर्गी भी इनके अंडों के ऊपर नहीं बैठी,
तो मुसफा ये पकड़ो, मुसफा पकड़ो पकड़ो। तो दोस्तों ये हम अंडे ले आए और अंडे के साथ हमारा कील पड़ा है। दोस्तों तो ये चेक करना, ये जो अंडा था इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखो इसमें बच्चा था लेकिन निकला नहीं। एक ये मैं दूसरा अंडा चेक कराता हूँ आपको, और ये देखो इसमें भी। तो मेरे जिगर के छल्लो, तो अभी इन अंडों को हम तोड़ते हैं, आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे मरी हुई चिक है। चुपो यार, ये देखो ओए बदबू, जिंदा है यार, जिंदा है भाई, मरा हुआ जमया पे मरा हुआ। ये देखो इसमें पूरा बच्चा बना हुआ है लेकिन मरा हुआ है, बोधनी निकले गया। अभी हम इसको बाहर नहीं निकाले, मैं आपको दूसरा अंडा भी तोड़ दूं फिर इसको बाहर निकालें। ये खप हो जाएगी सर, बोधड़ी आ मोला ची 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 चुप्पू है ना। तो यार ये देखो ओ बच्चा ही, यार ये देखो ये चूजा भी मरा हुआ है। ये जैसा आप देख सकते हैं ऐसे मजेदार व्लॉग हाथ पर कर, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, दूसरा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, समझ गए ना बात को, आ जाना रात को। चार मिलियन सब्सक्राइबर नहीं देन किदला ये दिया था बनो से। हां अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखें की ये बच्चा किते, ये चिक था जो निकल ना पाया और इधर ही एक्सपायर हो गया। ये टांगे किदला, ये देखो ये चिक था और दूसरे में भी सेम है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा लेकिन यही सेम है, बिल्कुल बोधड़ी है। और अभी हमारे सिर्फ तीन चिक निकले, सिर्फ तीन चिक निकले, पांच अंडों में से तीन, टोटल हमारे 32 अंडे थे और 32 में से जस्ट तीन में चूजे निकले, बाकी 29 अंडे हमारे वेस्ट हो गए। 29 पूरे 29, इससे अच्छा मैं देगड़ी में डाल के वहीं पर मैं खा लेता देगड़ी में। दोस्तों अभी हम मुर्गी को बाहर निकाल के ले आए, वो अंडे तो अब वो काम के थे नहीं, तो मैंने सोचा अब इस मुर्गी को मैं बाहर ही ले आता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अभी इसको बाहर लाया, अभी मैंने इनको फीड भी दे दी, तो इनकी मॉम इन्हें फीड करवा रही है देखो। तो अभी मैंने इन्हें पानी नहीं दिया, पानी मैंने फीड करवाने के बाद दूंगा, आज इनका पहला दिन है इस छत पर। अभी मैं रूम में बंद कर दूंगा इन्हें, नीचे नहीं ले जाऊंगा, वैसे ये नीचे थे।